हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉ बिजनेस गुरु। एक ब्रेकिंग न्यूज है सीए स्टूडेंट्स के लिए। आईसीएआई ने आज ही एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफाई कर दिया कि एग्जाम किस तरह से होंगे और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए इंस्टीट्यूट ने जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ऑप्ट आउट ऑप्शन प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्ट आउट ऑप्शन का यह मतलब हुआ कि अगर जिस भी स्टूडेंट्स का मे अटेम्प्ट था और वो उसके एग्जाम्स 29 जुलाई से शेड्यूल थे, अगर वो एग्जाम नहीं देना चाहता है किसी भी रीजन से, हो सकता है वो रेड जोन में हो या उसकी पढ़ाई नहीं हुई हो या पेरेंट्स ना बोल रहे हो कि एग्जाम नहीं देना, कोई बात नहीं, नवंबर में फाइट करेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट आउट फैसिलिटी प्रोवाइड किया। और इंस्टीट्यूट उसमें ऐसा बोल रहा है कि जिसका भी एग्जाम मे अटेम्प्ट था यानी 29 जुलाई से जिसके एग्जाम्स थे, अब वो एग्जाम्स नवंबर में दे सकता है अगर वो ऑप्ट आउट फैसिलिटी को ऑप्ट करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका मे का जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा, उसका वो अटेम्प्ट कैंसिल माना जाएगा। सेकंड, अगर उसका कोई एग्जेम्पशन है तो वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नवंबर अटेम्प्ट के लिए। ऑलरेडी अगर वो एग्जाम फीस पे कर चुका है तो उसके जो भी उसने एग्जाम फीस पे की हुई है वो एग्जाम फीस उसके आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और ओल्ड सिलेबस वालों के लिए इंस्टीट्यूट ने भी एक अच्छी खबर दी है कि उनको एक अटेम्प्ट और दिया जा रहा है जो नवंबर 20 तक रहेगा, मतलब नवंबर 20 का अटेम्प्ट वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट एक चीज और बोल रहा है कि जिस भी स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अब वो ऑप्ट आउट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में सिर्फ सेकंड ग्रुप का ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसकी फर्स्ट ग्रुप की जो फीस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और सेकंड ग्रुप की ही फीस पे करनी पड़ेगी। अगेन इंस्टीट्यूट ने एक चीज और बोली है कि जुलाई फर्स्ट वीक में वो कंडीशंस को वापस रिव्यू करेगा, कोविड-19 की जो भी कंडीशंस है उसको रिव्यू करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स आगे उसके बाद फिर से इंस्टीट्यूट एक बार रिव्यू करके डिसीजन लेगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश रहा कि नहीं, अगर एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है तो फिर सभी स्टूडेंट्स एग्जाम नवंबर में देंगे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने एक चीज और बोली कि मतलब इंस्टीट्यूट इतना प्रिपेयर्ड है और क्लियर बोला कि अगर एक भी स्टूडेंट एग्जाम देने आना चाहता है तो हमारी तरफ से प्रिपरेशन पूरी है, हम एक भी स्टूडेंट का एग्जाम लेंगे आज के अकॉर्डिंग, अगर जो इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड, जो भी स्टूडेंट ऑप्ट आउट फैसिलिटी ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए विंडो ओपन करेगा 17th जून से 20th जून तक। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम आगे नवंबर में देना चाहते हैं, मे का अटेम्प्ट फाइट नहीं करना चाहते हैं, तो वो ऑप्ट आउट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके लिए उनको सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसकी फैसिलिटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी 17th जून से लगाकर 20th जून तक। उसके अलावा अगर कोई एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट अपना एग्जाम सेंटर भी चेंज करना चाहता है तो वो भी एक फॉर्म फिल करके अपना सेंटर चेंज करवा सकता है। तो ये इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला स्टूडेंट्स के हित में, ताकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या थे, एग्जाम देना चाहते थे, बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे तो वो अपना एग्जाम फाइट करना चाहते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो रेड जोन्स में स्पेशली, तो वो बोल रहे कि नहीं हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, पेरेंट्स ना बोल रहे हैं, तो सर इंस्टीट्यूट ने मतलब बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से काम किया है यहाँ पे और इंस्टीट्यूट ने हर एंगल को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया है और मेरे हिसाब से भी एक इंस्टीट्यूट का एक गुड डिसीजन है। तो स्टूडेंट्स की अगर लगता है स्टूडेंट्स को कि मैं ग्रीन जोन में हूं, मैं इजीली एग्जाम देने जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स का इशू नहीं है, पढ़ाई हो गई है, तो एग्जाम बिल्कुल जाके अपना दीजिए और अपना, और जो नहीं देना चाहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, रेड जोन में है, पेरेंट्स ना बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्ट आउट फैसिलिटी को ऑप्ट कर लीजिए, उसका फॉर्म फिल कर लीजिए जिसका विंडो 17 जून से ओपन हो जाएगा और आप नवंबर में एग्जाम फाइट करिए, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा और आपके एग्जेम्पशंस कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, आपके एग्जाम फीस भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट की तरफ से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।